सिखाओ मत, मेरे पास ज़र्फ़े खुदा नहीं। मेरे बेटा, अंदर आ सकते हो? आइए। अगर आप मसरूफ ना हो तो आपके पास बैठ सकती हूँ। दाई माँ, अगर आप फिर से मुझे डराने आएंगे ना तो प्लीज पहले मुझे अपनी खुशी सही से सेलिब्रेट करने दें। भाई, आपकी खुशियाँ तो हमें सबसे ज्यादा अजीज है। तो खुश हो, खुशियाँ बांटें। ये देखें, मैंने अपनी मंगनी का ड्रेस फाइनल किया है। कैसा है? लेकिन मून तो बहुत सादगी से, मून सादगी से इवेंट चाहता है, मगर मैं तो प्रॉपर तैयार होंगी। और तैयार तो मून भी होगा, बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार होना चाहती हूँ। फिर हमारा फोटो शूट होगा, वो पिक्चर्स मैं अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह लगाऊंगी। अगर लोगों के साथ खुशी मना नहीं सकती तो बांट तो सकती हूँ ना। आप तो कुछ भी कर सकती हैं, मगर फिलहाल भाई बाबा बेसब्री से आपका नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं। हाय दाई माँ, अब किसका दिल करेगा नाश्ता करने का। चलें, भाई बाबा के लिए कुर्बानी दे देती हूँ। आप चले, मैं आती हूँ। आ जाए। सो प्रिटी। ओ मून साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया। और जिसको बेसब्रा समझकर कदर नहीं की ना, वो सबसे ज्यादा सब्र वाला निकला। अब्बा जी, मैं तो ओए हीरो है तू, बस मैं ही तुझे नहीं पहचान सका। जब करूं तो क्या करूं? हो सकता है तेरी खुशी की खातिर हनी तुझे छोड़ दे, लेकिन तुझसे बेवफाई नहीं कर सकती। आप पर हनी, हनी तो जो भी है, ये तुझे हनी से अलग कर सकता है लेकिन दूर नहीं कर सकता। हाँ, और यकीन ना है ना तो आंखें बंद कर और दिल की सुन, जो दिल कहे ना तो वो मान लेना। और देख, और दिल भड़काता जरूर है लेकिन सच्चे और खरे जवाब देता है। वहां तो लोग ऐ सालों से कबीर का सर झुका हुआ, और मैंने तो उस वक्त भी सर नहीं उठाया जब कबीर से उसकी मोहब्बत छीन ली गई थी। वो मेरी कमजोरी की सजा में सूली पर चढ़ गई। ओए कमाल तो ये है कि शेरनी ने सूली से भी वफा की। ओए हनी उसी माँ की बेटी है, तेरे लिए मर जाएगी लेकिन आखिरी दम तक तेरी रहेगी। और वक्त कम है, अगर वो किसी और के नाम के साथ जुड़ गई ना तो फिर जिंदगी भर तेरी नहीं होगी। अब्बा? और मोन? ओए अब्बा नहीं हूँ, दोस्त हूँ तेरा, दोस्त दोस्त बनकर बात कर। और मैं तो सर झुका झुका के थक गया हूँ। ओए मैं हिम्मत करके सर उठाता भी हूँ ना तो फिर गिर जाता है यार। और इस बार कबीर कुछ नहीं बिगड़ने देगा, तू बस हनी को साथ लेकर आ। अपने बाप का झुका हुआ सर इतना ऊंचा कर दे कि फिर ये कभी जिंदगी में ना झुके। अब जाए। ओए एक बाप दिल से दुआ देता है कि तू जिंदगी में कभी नहीं हारेगा, कभी नहीं हारेगा। और मेरा मोन पुत्र हीरो था और हीरो ही रहेगा। हाँ, पर तू अपने यार को कुछ कहेगा नहीं हैं? मून, ओए मून, मून। बॉस,
वार्डरोब फिल्म वालों का, कुछ दिन का ट्रिप है, इतने कपड़े क्यों? ऑब्वियसली ताकि वहां सिलेक्शन में प्रॉब्लम ना हो, व्हाट एल्स? और वहां पर जो शॉपिंग करेंगे उसका क्या? इस बार तो खुद के लिए शायद होश ही ना रहे, हर वक्त उसकी पसंद नापसंद के बारे में सोचता रहा, कुछ भी हो जाए बनी, इस ट्रिप पे उसके लिए हर लम्हा हर मोमेंट बहुत स्पेशल बनना है, बहुत स्पेशल। बॉस आधे से ज्यादा दुनिया घूमे आप, कभी आपको ऐसे नहीं देखा। तेरे लिए ये सफर होगा बनी, मेरे लिए मिशन है, ये शूट नहीं जंग। कभी कभी सोचता हूं, डरता हूं, अगर हार गया तो मुझे ना यार बनी, इस नए रोहेल खान की आदत नहीं है, कहीं थक गया तो। बॉस आप हीरो हैं, हीरो, और फिल्म के दी एंड तक हीरो को थकने की इजाजत नहीं होती। दुआ कर यार, दुआ कर, वैन की नस नस में से मून नाम की बीमारी निकाल ले। इलाज आसान नहीं होगा और तजर्बे के साथ साथ किस्मत की भी जरूरत पड़ेगी। ये हुई ना बात बॉस। मैनू जी सबकी क्या जरूरत है, सिर्फ अंगूठी काफी। बस करो मून, खुदगर्जी की भी इंतहा होती है। आपने कहा मंगनी सादगी से होगी, मैंने कहा ओके। आपने कहा शादी में कोई जल्दी नहीं होगी, मैंने कहा ओके। एक एक करके मैं सारे अरमान सारी खुशियां सारे ख्वाब भूल चुकी हूँ मून, लेकिन मेरे साथ भी लोग जुड़े हैं, मेरे दोस्त, मेरे क्लास फेलोज, उनकी फैमिली, तो क्या जवाब दूंगी उनको मैं? देखिए मेहरू जी, मेहरू मरी ना जाएगी दफा मून, सबको खुशी मिल जाएगी। जी मैं तो बस, मेहरू की अगर बस होगी ना मून तो बहुत पछताओगे, क्योंकि मुझ जैसी लॉयल प्यार करने वाली लड़की तुम्हें। चुप, बिल्कुल चुप, अब एक लफ्ज़ ज़बान से नहीं निकाल, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन मुझे तंग नहीं करना। हाउ रोमांटिक, हमेशा ऐसे चुप करा दिया करो मुझे। जी आपकी बात खत्म हो गई है तो आप जा सकती। चली तो जाऊंगी, लेकिन एक दफा अगर तुम्हारी जिंदगी में आ गई ना, तो ना मैं कहीं जाऊंगी और ना ही तुम्हें जाने दूंगी। जी हर एक और बात, जहां मैंने आपकी सारी बातें अच्छी बच्ची बनके हर बात मान ली है, वैसे भी आपको मेरी दो बातें माननी होंगी, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपके हाँ कहते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वो भी बता दीजिए। आपको मेरे साथ तैयार होकर शिरकत करना होगी, डिजाइनर आपकी मेजरमेंट ले जाएगी और मंगनी के फौरन बाद हमारा फोटोशूट होगा। फोटो सेशन, वो किस लिए? क्यों जरूरत नहीं है, सबका होता है, आपके लिए एलियन बन जाऊं क्या? शूट तो होगा, अगर आपने शूट नहीं करवाया तो मैं खुद को शूट करूं, वो भी दुल्हन बनने के बाद। और मिस्टर मून एक बात याद रखिएगा, मेरे मरने के बाद भाई बाबा मेरी याद में पूरी जिंदगी आपको गुलाम बना के इसी हवेली में रखेंगे, कबूल है? I love you so much, Moon. So please respect my emotions. बात बात में मेरा दिल दुखाया करो, और कितना रुलाओगे मुझे अपनी मोहब्बत में?
ठीक कह रहा है, लेकिन एक बात याद रख, जो अपनी मर्जी करता है ना, जिम्मेदारी भी उसी की होती है। वो दोनों अपनी मर्जी से गए हैं, अब अगर वो चाहें अपनी मर्जी से वापस आए। शब्बीर अहमद के घर के दरवाजे अब किसी के लिए बंद नहीं होंगे, खुले हैं, आ सकता है, लेकिन किसी की भी करनी उसके घर वाले क्यों भूलते हैं ना। और अब जब वो वापस आएंगे ना शकीला बेगम, तो राज्य की खुशियां मना लेना है। लेकिन ये बाप अब किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होने देगा। और जा पुत्र, तू जाके शादी की तैयारियां कर, कोई आए या ना आए, मेरी रानों की डोली उठेगी यहां से। अबे कुके, मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में खुशियों की तारीख तय करने, है? जा। आ मेरा पुत्र। खुश है बेटा, हैं? शायद एक बाप का फर्ज पहले समझ लेता ना तो वो दोनों भी खुश होते हैं। शकीला, शाफ सिखाओ मत, मेरे पास ज़र्फ़े खुदा नहीं, मेरे पास सीधा जवाब है, मेरे पास सीधा जवाब है। तू मेरा नहीं, मैं तेरा नहीं, शाफ सिखाओ मत, मेरे पास ज़र्फ़े खुदा नहीं। सा सितारा तू समंदर, हम खड़े प्यासे, तेरा घर हो एक इशारा बन गया है, वो नजारा देख ले मेरी आँखों से, काटे ना कटे दिन तुझ बिन, रातों को सहारा दे जा, बारिशों के मौसम में तू Thank you.
कैसा रहा ट्रिप बॉस? बिल्कुल ख्वाब सा, जैसे रात भर किसी हसीन वादी में जीते एकदम से आंख खुल जाए। ओके बॉस, ये तो बताएं तरक्की कहां तक हुई? इस मामले में कल जहां खड़ा था आज भी वहीं खड़ा। इस सफर में उसे हंसता मुस्कुराता एंजॉय करता जीता हुआ देखकर मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं आई है। डरता रहा कहीं मेरी कोई बात उसके चेहरे की मुस्कुराहट ना छीन ले। कोई नहीं बॉस, फिर सही। बस पनी बॉय, बस मैंने डिसाइड कर लिया है। क्या बॉस? माँ। माँ? जो काम मेरा प्यार ना कर सका वो माँ का दिल करेगा। माँ को बहू चाहिए और माँ किसको नहीं चाहिए। अब बेटी बनाकर खुद लाएगी मेरी माँ। जी भाई, आपने बुलाया था। बैठ, ये लो। ये क्या है भाई? इस शहर में तुम्हारा घर जो तुमने अपनी मेहनत से कमाया। नहीं भाई, ये मैं नहीं ले सकता। यार ये कि जयेश की सूरत में नहीं है ना ही सुल्तान का तुम पे कोई एहसान। नहीं भाई, ये मैं कैसे रख सकता हूँ? ऐसे देखो मोहन, तुमने हमारे रुके हुए काम को चलाया और करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया, उसके बदले में तुम ये डिजर्व करते हो। इसको रख लो वरना मेरा दिन दुख जाएगा, और वैसे भी इसे अल्लाह की रजा समझ के रख लो। शुक्रिया। वेलकम। देखो सिर्फ यही नहीं बल्कि जहाँ हम रहते हैं और जो मेरा कारोबार है, फैमिली, इन सब का तुमने ख्याल रखा। अब मैं चाहता हूँ कि सारी जिंदगी मैंने काम किया, अब मैं आराम से लंबी छुट्टी पे जाऊं। गुड लक, खुश रहा करो। हेलो, कुछ तो बता दे यार, क्यों बिला वजह सस्पेंस बढ़ा रहा है भाई? सर आपने तो ऐसे बुलाया जैसे फिल्म शायद फिर से रुक गई है, कुछ तो बोले ना। यार फिल्म के रशेस देखकर तो बोलती ही बंद हो गई, मैंने सोचा भी नहीं था कि। क्यों, इतना बुरा काम हुआ है क्या? कमाल कर दिया तुम दोनों ने, अभी तो कलर ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग बाकी है, उसके बाद फिल्म और रिच हो जाएगी। यार ऐसा मजा आ गया कि खुश हो जाएंगे प्रोड्यूसर्स भी और आवाम तो खुश होगी। मैं भी देखना चाहती हूँ फिल्म। कल डबिंग स्टार्ट हो रही है, देख देख के खुश होती रहना। बाय 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 बाय, गुड न्यूज है, गुड न्यूज है भाई। भाई हमारी फिल्म के चर्चे हर जगह हो रहे हैं, ये देखे पोस्टर, सोशल मीडिया, अखबार, मैगजीन, हर जगह हमारे पोस्टर छप रहे हैं। लेकिन एक बात का अफसोस है। वो क्या? आपका नाम ही नहीं है कहीं। थोड़ी बहुत मशहूरी हमारी भी हो जाती, आखिर प्रोड्यूसर है हम। इसका नाम के लिए नहीं, अंजाम के लिए किए जाते हैं। फिलहाल तो एक खतरनाक चीज इधर आ रही है, मैं निकल। हेलो मेरू जी, हाउ आर यू? ओके फाइन, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो वर्कआउट हो रहा है। अरे वाह, तुम मेरे हो।
कितना अच्छा और सच्चा डायलॉग है ना हमारी फिल्म का। मेरा मतलब है कि जो चीज तुम्हारी है वो मेरी भी तो हुई ना। ओफो, ये गुस्से वाला एक्सप्रेशन परमानेंट हो गया, इसलिए मैंने सोचा है कि मनाने के बजाय खुद को समझाना बेहतर है। खैर, मैं ये बताने आई थी कि कल हम साथ जा रहे हैं, अपनी हनी के जितने ख्वाब पूरे करने करो, आई डोंट माइंड, लेकिन मेहरू के ख्वाबों को सेक्रीफाइस करके बिल्कुल भी नहीं। मेहरू ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए जब भी हनी से सामना करना हो उससे पहले उसे मुझसे मुलाकात करनी है। कल टाइम पे तैयार हो जाऊंगी, मैं खुद को भी तैयार कर लूंगी। बाय। देखो कम से कम हनी तो अपनी धुन के पक्के निकली, जो कहती थी करके दिखाया उसने। धुन के पक्के लोगों को कुछ हासिल करने के लिए बड़ा कुछ खोना पड़ता है, मंजिलें तो कुर्बानी मांगती हैं ना। लेकिन हनी के मंजिल तो मुन भाई थे ना। तो मैं कब कह रही हूँ कि उसे मंजिल मिल ही गई है, अभी तो रास्ते के बड़े इम्तिहान बाकी हैं। पर हनी को मैंने पैदा किया है, एक एक लफ्ज सिखाया है, वो अना और गुस्से में चाहे अपना कितना भी नुकसान कर ले, नफरत भी करती होगी ना तो बेवफाई नहीं करेगी। बस भई किस्मत ने जितने इम्तिहान लेने थे ले लिए, अब तो नतीजा निकलने का वक्त है, वो भी हमारे हक में। अम्मा, काश हम भी कराची होते ना, हनी के साथ उसकी फिल्म की शूटिंग पे जाते। हाँ भाई, हमें क्या करना है कहीं जाते, अब तो ये दुआ है कि जो घर से गए हैं ना वो वापस घर को लौट आए। रुहेल साहब, वैसे तो आप हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं और आपके बारे में मशहूर है कि आप जूनियर आर्टिस्ट के साथ बतौर हीरो काम नहीं करते, लेकिन आपने इस फिल्म में हुरैन चौधरी के साथ काम किया, तो इसकी क्या वजह रही और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने जब इनको पहली बार देखा था मुझे ऐसा फील हुआ कि ये बहुत सक्सेसफुल एक्टर बनेंगे, और आप लोग जब ये फिल्म देखेंगे तो आई होप, इनफैक्ट आई नो कि आप सब भी ऐसा ही फील करेंगे। शी इज सुपर टैलेंटेड एंड शी इज माशाल्लाह वेरी ब्यूटीफुल, शी इज मेड फॉर द कैमरा एंड कैमरा इज मेड फॉर हर, दैट्स ऑल आई एम गोना से। हुरैन जी, कैसा लगा आपको फिल्म में पहली बार रोहेल खान के साथ काम करके? क्या ये अच्छे को एक्टर हैं? आई थिंक इसके बारे में मैं कुछ भी कहूंगी तो वो एक अंडरस्टेटमेंट होगी, क्योंकि पाकिस्तान की हर बड़ी एक्ट्रेस रोहेल खान के साथ फिल्म करना चाहती हैं। मेरे लिए तो ये खुशकिस्मती की बात है कि मेरी पहली फिल्म रोहेल खान के साथ थी। ये ना ही बहुत अच्छे एक्टर हैं बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी हैं, एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। इन्होंने कदम कदम पे मेरी बहुत हेल्प की है, मुझे हर चीज के बारे में गाइड किया है कि किस तरह से काम किया जाता है, कहाँ पे मैं कमजोर हूँ और कहाँ पे मुझे क्या चीज करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से कि मेरी इस सक्सेस के पीछे इनका एक बहुत बड़ा हाथ होगा। जमाल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म तुम मेरे हो के बारे में? सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से अपने दोस्त डायरेक्टर खान को और उनकी पूरी टीम को इस फिल्म के मुकम्मल होने की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद इस मुकाम तक पहुंचे, हमारी इंडस्ट्री को बहुत बड़ी बड़ी फिल्म्स दी हैं इन्होंने। उसके बाद इस फिल्म के हीरो, वैसे तो वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फिर भी हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम रोहेल खान। उसके बाद इस फिल्म की हीरोइन की बात करते हैं, हुरैन चौधरी। इस वक्त पाकिस्तान का एक ऐसा उभरता हुआ सितारा है ये, जो डे बाय डे तरक्की की मंजिलें पार करती भी जा रही है। बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर रही हैं, कुछ बड़ी बड़ी मूवीज भी साइन कर चुकी हैं। फिल्म की कामयाबी के पीछे डायरेक्टर्स और अदाकारों के अलावा एक ऐसा नाम भी होता है जिसे हम बुनियाद कहते हैं, यानी फाइनेंस, और वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सुल्तान एंटरप्राइजेस के सीईओ मिस्टर मून अकबर को मैं दावत देता हूं कि वो यहां पे आए और आके इनसे कुछ बातचीत की। हेलो
शुक्रिया। मैं हूं मून अकबर चौधरी। कुछ भी कहने से पहले मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, दो दिल वालों की। एक छोटे से गांव के बड़े बड़े ख्वाब देखने वाले दो लोग पागल थे शायद, एक दूसरे की मोहब्बत में ख्वाबों के पीछे भागते भागते इस ख्वाबों की नगरी में आ पहुंचे, जिसमें से एक का ख्वाब था बुलंदियों को छूना, बड़े बड़े सितारों को छूना, बड़े बड़े सितारों के साथ चमकना। खुद से का ख्वाब, दूसरे का ख्वाब था उसे इन बड़े बड़े सितारों के साथ चमकता हुआ देखना। तकदीर ने उन दोनों को भी जुदा कर दिया। और क्या ही बात है शहर की, इस शहर ने दोनों के ख्वाब तो पूरे कर दिए मगर बदले में उन दोनों से उनकी मोहब्बत छीन ली। तो आप सबको आपकी फिल्म बहुत बहुत मुबारक हो, और मुबारक हो आपको ये चमक धमक की दुनिया। मैं चला, जहां से आया था वही अपना छोटे से गाँव। हाँ हाँ प्यारे मोहन, मुझे लगता है आज भी कुछ कहने आया। भाई भाई मैं आपसे इजाजत लेने और माफी मांगने आया हूं। इजाजत इस बात की कि मैं ये सब छोड़कर वापस जाना चाहता हूं, अपनी वही जिंदगी दोबारा से जीना चाहता हूं जो छोड़ छोड़ कर आया था। माफी इस बात की कि मैंने जाने अनजाने में मेहरू जी के मामले में आपको बहुत दुख दिया, तकलीफ पहुंचाई। आपने तो मुझे सब कुछ दिया जो मैं सोच भी नहीं सकता था, मेरे ख्वाबों की ताबीर पूरी कर दी आपने, बदले में मैं आपको कुछ भी नहीं दे सका। मुझे माफ कर दे, मैं माफ कर दे। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने हमेशा मेरे सामने सच बोला, तो भाई जब कोई और होता तो मैं उसे कभी माफ ना करता। तुमने ना सिर्फ मेरू बल्कि हम सब की जिंदगियों को बचाया, जाओ जैसे चाहते हो वैसे जियो, और हाँ सुल्तान का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है, जब चाहो तुम वापिस आ सकते हो। भाई बाबा थैंक यू। मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम कब इतनी बड़ी, और खुशी इस बात की है कि तुम्हारा दिल भी उतना ही बड़ा है। मुझे तुम्हें जो कहा मैंने वो ही किया। खुश हो? खुशी का तो पता नहीं लेकिन इत्मीनान में बहुत हूं। अभी एक और अच्छा सा काम बाकी है, वो करना है। वो क्या बेटा? मैं आपको आके बताऊंगी, बस आप मेरी दुआ करिएगा। हमेशा। दाफिस। Thank you.
कहाँ जा रही हो हनी? जा रही हूँ मैं सब कुछ छोड़ के, ये इंडस्ट्री, ये शोबिज की दुनिया, इस सबसे दूर जा रही हूँ मैं। ये चमक धमक, दौलत शोहरत, पैसा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुझे बस सुकून चाहिए। और मुझे भी किसी से नहीं मिलना, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। रुक जाओ हनी, प्लीज रुक जाओ। मून जा रहा है, अगर वो चला गया तो वापस नहीं आएगा कभी भी। खुदा के लिए उसे रोक लो। से क्या चाहती हो तुम? अपने हिस्से की सजा काटना चाहती हूँ, अपने हिस्से का सच बोलना चाहती हूँ, अपने हिस्से के गुनाहों का इतराफ करना चाहती हूँ। भले ही मुझे मून से इश्क हुआ है, लेकिन उसने कभी तुम्हारी बंदगी छोड़ी नहीं। हनी को उसने दिल में इतना भर के रखा है कि कभी उसने मुझे अपने दिल में झांकने ही नहीं दिया। माना के दिल वाले बेबस होते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाई थी कि कभी खुदगर्ज नहीं हो सकते। तो मून को कहते हैं जो सिर्फ हनी की खुशियों के लिए, हनी के ख्वाबों के लिए जीता और जलता रहा है। मेरी किस्मत में तो बस एक मेहमान बनकर आया था, जिसे मैंने अपना मान लिया। लेकिन इसे सिर्फ हनी को मांगते पाया मैंने। प्यार अंधा होता है, तुम दोनों का दर्द नजर ही नहीं आया मुझे। लेकिन अब इस बोझ के साथ जी नहीं पाऊंगी मैं। उसने बहुत सहा है अनी, उनकी अनी से लौटा दो, खुदा हमें कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने के बगैर अधूरा है, उसे रोक लो खुदा के लिए। शाफ सिखाओ मत मेरे पास ज़र्फ़े खुदा नहीं, मेरे पास सीधा जवाब है। ये गाड़ी तो छूट गई है, लेकिन अगली नहीं छूट। क्यों आई यहाँ? तू मुझे क्यों छोड़ के गया था? हाँ, जाऊंगा अकेले। तुझे तो मिल गया ना सब कुछ, दौलत, पैसा, बन गई फिल्म स्टार। अब तुझे मुझसे क्या चाहिए? कैसी बातें कर रहे हैं मोहन? मेरी तो दुनिया बस तू ही है। अगर सब कुछ होने के बावजूद भी तू नहीं है ना मेरे पास, तो नहीं चाहिए मुझे ये सब, नहीं बनना मुझे फिल्म स्टार। हनी, खुदा का वास्ता चुप कर जा, और जा तू अपने उसी फ्री हीरो के पास। नहीं है मेरे पास कुछ भी तेरे। हीरो? मून, वो तो बस फिल्मी हीरो था, मेरी असल जिंदगी का हीरो तो बस तू है। तू ही मेरी दुनिया, तू ही मेरा प्यार है, तेरे बगैर कुछ नहीं है मेरा। तुझे जो मैंने अपना आप दिखाया था वो तो सब झूठ था। हकीकत ये है जो तेरे सामने खड़ी है, तेरी हनी, जो आज भी तुझसे बेहद मोहब्बत करती है।
हमें मौका ही नहीं मिल सका कि हम एक दूसरे को सफाई दे सकें। लेकिन अब मैं सब छोड़ आई हूँ मून, नहीं चाहिए मुझे वो सब, नहीं जाना मुझे उस दुनिया में, मुझे बस मेरा मून चाहिए। चल चले मून, अपने घर चलते हैं, फिर से उसी तरह छतों पे मिला करेंगे, वही प्यार वही चाहत चाहिए मुझे बस, और कुछ नहीं चाहिए। मून माफ कर दे अपनी हनी को, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तेरा साथ चाहिए, तेरा प्यार, जैसे तू अपनी हनी से करता था, बस मुझे माफ कर दे। कुछ गलत मत सोच मून, तेरी हनी हमेशा तेरे साथ रहेगी, अब कभी मैं तुझसे दूर नहीं होंगी, ना तुझे दूर जाने दूंगी। सच कह रही है तू? कसम से, तेरी कसम। छोड़ा हूं मैं भी सब, ये दौलत पैसा शोहरत कामयाबी कुछ नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो बस मेरी हनी चाहिए। चल फिर, तो चल फिर चलते हैं वापस अपनी उस ख्वाबों की दुनिया में, जहां बस तू और मैं हैं। एक मसला है। क्या? घर वाले तो समझ रहे हैं हमारी शादी हो चुकी है। तो घर पहुंचने से पहले हम निकाह कर लेंगे, फिर चले जाएंगे घर। और दूसरा मसला? वो क्या? वो जब हमारी शादी हो जाएगी तो तू तो मेरे घर आ जाएगी, तो मैं छतों पर मिलने किससे जाया करूंगा? तो तेरी छतों वाली मोहब्बत तो अधूरी रह जाएगी। तो क्या हुआ, जब शादी के बाद मैं तुझसे नाराज होके अपने घर जाऊंगी, फिर तू मुझे मनाने छत पे ही तो आएगा, आएगा ना? आऊंगा ना, है भी ठीक है। चल अब अपनी हनी को कुछ प्यार से बोल तो दे। I love you, 1, 2, 3। बस कर, कुछ प्यार शादी के बाद के लिए भी बचा ले। तू मिला तो मिल गया जहां, ओ हनी, माय हनी, माय हनी, जो हाथ में ये हाथ है तेरा, तो झूमता है आसमां मेरा, ओ हनी, माय हनी, माय हनी, मुझे माफ शाफ सिखाओ मत, मेरे पास ज़र्फ़े खुदा नहीं। हाथ है तेरा, तो झूमता है आसमां मेरा, ओ हनी, माय हनी, माय हनी। मैंने तो मुझको ऐसे सुबह की धूप जैसे चमकती बादल, क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।